नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित उत्पाद कोर्ट में शराब के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट 2 के एडीजे पारा शरद चंद्र श्रीवास्तव ने 28 मार्च को तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 37 लीटर शराब के साथ पकड़े गए राजेश कुमार और अंजलि देवी को 5 साल की कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि दोषियों द्वारा जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीना की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि तिलकामांझी पुलिस के द्वारा गश्ती के दौरान शराब के साथ पुलिस ने राजेश और अंजलि को रंगे हाथ शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था, जिसकी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। जबकि ट्रायल के दौरान कोर्ट 2 ने दोनों को दोषी पाया था और शुक्रवार को एडीजे पारा ने दोनों की सजा का ऐलान किया। ये तिलकामांझी 250/22 एक्साइज नंबर 679/22 माननीय श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव एडीजे 12 उत्पाद कोर्ट 2 में उक्त बात का ट्रायल चला। ट्रायल में आज 5 साल की सजा और 1,00,000 रुपया की जुर्माना नहीं देने पे 6 महीनों की अतिरिक्त सजा, और इसमें दो अभियुक्त था, एक राजेश कुमार एक अंजलि देवी। इसमें 28/3/22 को छोटी लाइन के पास पुलिस गश्ती करते हुए जा रहा था, उसी समय अंजलि देवी के पास से 17 लीटर और राजेश के पास से 20 लीटर देसी शराब बरामद हुआ। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से 7 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। जबकि पुलिस प्रशासन और मद्य निषेध विभाग इसके लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। दरअसल इसकी एक पानगी नवगछिया में देखने को मिली, जहां नवगछिया पोस्ट ऑफिस परिसर के समीप शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति द्वारा हंगामा के बाद अचेत अवस्था में गिरा देख लोगों ने इसकी सूचना 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को दी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से शराबी को अपने कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। एक और जहां बिहार सरकार शराबबंदी के दावे करती रहती है, वहीं इस तरह से शराब के नशे में धुत लोगों का पकड़ा जाना या अक्सर मद्य निषेध विभाग या पुलिस द्वारा शराब की बड़ी खेप जब्त किया जाना शराबबंदी के दावे की पोल खोलती है। बड़ा सवाल है कि अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो आखिर पुलिस और विभाग की पैनी नजर के बावजूद शराबियों को शराब कहां से मिल पाता है और इतनी सख्ती के बाद भी पुलिस इसे रोकने में नाकाम क्यों नजर आ रही है। हालांकि नवगछिया से गिरफ्तार किए गए युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब का यह कारोबार पुलिस की मिलीभगत से ही फल फूल रहा है। HIV एड्स की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण हेतु वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर संसाधनों और तकनीकों के प्रबंधन एवं सम्मिलित प्रयास से मुहिम चलाई जा रही है, जबकि इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में लोगों को HIV एड्स से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई चिकित्सक ने लोगों को अहम जानकारी और सुझाव दिया। वहीं जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर ने लोगों से कहा कि कभी भी ब्लड डोनेशन से पूर्व HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान पुरुष या महिला को भी इसका विशेष ध्यान रखने और सतर्कता की जरूरत है, जिससे HIV संक्रमण से बचाव किया जा सके। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध या दूषित सिरिंज या नीडल का उपयोग करने से बचने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि हर 6 महीने में एक बार HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे अपने साथ अपने पार्टनर की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जेल में मौजूद कैदियों की HIV टेस्ट कराने की बात कार्यक्रम में कही गई। HIV एड्स डे 1 दिसंबर को पड़ता है, इसी के उपलक्ष्य पे हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम करवाए हैं HIV एड्स पे, ताकि लोग और ख़ास करके महिलाएं, जो हमारी माएँ बहनें और लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से हम लोग जागरूक करें, ताकि ये HIV वाला बीमारी, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशेंसी वायरस वाला बीमारी है, उन लोगों को ना आए। ख़ास करके औरतें बहुत ही निर्मल और उन लोगों को पता नहीं रहता है, अनजान होने के वजह से उन लोगों को बीमारी अपने हस्बैंड से या फिर एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लिया,
जानकार नहीं है, किसी से भी ब्लड ले लिया, ब्लड बैंक में नहीं आ सके, प्रॉपर जांच नहीं हो सका, जो डोनर पेशेंट रहा उसने ब्लड दे दिया और वो एचआईवी मरीज था और उसने पैसा के लालच में अपना ब्लड डोनेट कर दिया और एनीमिया का करेक्शन के लिए या खून के कमी का करेक्शन के लिए उन लोगों ने अपने शरीर में ब्लड चढ़ा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई पहल कर रहे हैं, लेकिन सूबे के कई विद्यालय हैं जहां की अव्यवस्था देखकर सरकार के इस दावे की सच्चाई सामने आ जाती है। काफी संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां जर्जर भवन और कुव्यवस्था फैली हुई है, जबकि कई विद्यालयों के नए भवन बनने के बाद भी वहां पठन पाठन और योजनाओं का लाभ बच्चों को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। दरअसल नवगछिया के एक विद्यालय में भी यह हालत देखने को मिली, जहां बच्चे जर्जर भवन के बरामदे पर बैठकर अपना भविष्य संवारने की कोशिश में लगे हैं। जबकि पास में जवाहर नवोदय विद्यालय है जहां पर बच्चों के पठन पाठन के साथ कई तरह की अच्छी सुविधा की भी व्यवस्था की जाती है। वहीं समस्या को लेकर विद्यालय की शिक्षिका ने बताया कि वर्ष 2013 से इसी जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई हो रही है और अब तक शिक्षा विभाग की ओर से भवन निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो स्थिति है, लगता है कि भूकंप में एक मलबा गिरा हुआ है, खपरे गिरे हुए हैं। क्या ये कब से ये स्थिति है? और ये देर से है। कितने दिनों से? 2013 से। हाँ, 2013 से इस पर किसी पदाधिकारी का ध्यान नहीं पड़ा है। क्या भागलपुर के पिपैती प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का पुतला दहन किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वार्ड सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार विकास कार्य का दावा करती है। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए हरदेवचक वार्ड संख्या 7 के प्रतिनिधि संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि पंचायती राज मंत्री प्रसाद गौतम वार्ड सदस्यों को अल्पज्ञानी कहते हैं। साथ ही कहा कि जब तक पंचायती राज मंत्री अपना यह बयान वापस नहीं लेंगे, तब तक सभी वार्ड सदस्यों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर वार्ड सदस्य अशोक यादव, राणा प्रताप पोदार, मोहम्मद कुरवान, रिजू कुमार पहाड़िया सहित काफी संख्या में वार्ड सदस्य मौजूद रहे। हम लोगों ने आज माननीय मंत्री, जो बिहार सरकार के जो पंचायती राज मंत्री है मुरारी गौतम जी, उनका हमने पुतला फूंका है। हमने पूरे बिहार में ही इनका पुतला फूंका जा रहा है। इन्होंने वार्ड सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उनके कार्यकाल में कटौती की है और उनको मूर्ख बोला है। माननीय मंत्री जी को हम ये अपना यहाँ से हम सभी वार्ड ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वार्ड अगर मूर्ख है तो वार्ड का आपने चुनाव क्यों कराया? अगर आपने वार्ड का चुनाव कराया है तो उनकी कटौती क्यों कर रहे हैं? और इन्हीं के लिए हम लोग इनका पुतला फूंके हैं। अगर उनको इसके पहले जो भी पंचायती राज पदाधिकारी बना है ऐसा अभद्र भाषा तो नहीं बोला है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सारे लाभार्थियों का निःशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुछ कर गुजर जाने का जज्बा अगर दिल में हो तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक युवा की, जिन्होंने न केवल अपनी काबिलियत और लगन से विकट परिस्थिति में भी अपने परिवार का निर्वहन किया, बल्कि खुद को भी आत्मनिर्भर बनाकर दूसरों को भी एक संदेश दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोहतास के ज्वाला कुमार गुप्ता की, जो आजकल भागलपुर की सड़कों पर शुद्ध चने का सत्तू बेचकर मशहूर हो रहे हैं। दरअसल सत्तू की खास बात यह है कि ज्वाला कुमार चना और उसे पीसने के लिए मशीन लेकर अपनी फटफटिया मोटरसाइकिल से चलते हैं।
और लोगों की आवश्यकता अनुसार सस्ते दामों में शुद्ध चने का सत्तू बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर सिल्क टीवी संवाददाता ईशुराज ने जब उनसे इसको लेकर बात की तो ज्वाला गुप्ता ने अपने इस नुस्खे का राज साझा किया। ज्वाला गुप्ता ने कहा कि इससे पहले वे बॉम्बे में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के समय वो अपने प्रदेश लौट गए और इसके बाद उन्होंने खुद के रोजगार का सृजन करने की ठानी और मोपेट गाड़ी में मशीन लगाकर खुद का सत्तू व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि रोहतास के अलावा बिहार के अन्य जिलों में डोर टू डोर जाकर यह कारोबार कर चुके हैं और वर्तमान में जीछो स्थित बाईपास के समीप किराए के घर में रहकर सत्तू बेचते हैं। बता दें कि ज्वाला कुमार की छोटी सी मोपेट गाड़ी में उनके जरूरत के सारे सामान उपलब्ध है, जिसमें चने की बोरी, सत्तू नापने की मशीन और पीसने के लिए मशीन भी शामिल है। ज्वाला गुप्ता ने कहा कि गर्मी के मौसम में उनके सत्तू की और भी ज्यादा बिक्री होती है और लोग फोन करके उनके हाथ से पीसे हुए सत्तू मंगवाते हैं। कुछ कर दिखाने का जज्बा अगर दिल में हो तो राहें आसान हो जाती हैं। ऐसे ही एक मेहनत कश युवा हमारे सामने हैं जो कि अपने आइडियाज के दम पे और लॉकडाउन में बताते हैं कि पहले बॉम्बे में राजमिस्त्री का काम करते थे, जिसके बाद उन्हें यह ख्याल आया कि कुछ अपने रोजगार का सृजन किया जाए, जिसको लेकर के वे आज यहाँ पर एक चलती वाहन में सत्तू का पीसने का काम करते हैं। और हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इनका खुद का सेटअप है और हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से ये घूम घूम कर जो है लोगों को सत्तू बेचते हैं। ये खुद से सारा कुछ करते हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मशीन जो है इनकी गाड़ी में पूरा सेट किया हुआ है और ये खुद जो है यहाँ पे चना डालते हैं। चना डालने के बाद जो है सत्तू खुद ब खुद पिसा जाता है और जिसके बाद ये ग्राहकों को उचित कीमत में सत्तू मुहैया कराते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गुप्ता जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताएँ, कब से ये काम कर रहे हैं और इसका ख्याल कैसे आया? हम साल भर से काम करते हैं, पहले बॉम्बे में राजमिस्त्री में काम करते हैं, साल भर से ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में लखीसराय में गए थे, लखीसराय से भागलपुर आए, भागलपुर में हम लोग का 5 महीना हुआ, 5 महीना से यहाँ काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्वाला कुमार गुप्ता पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रोहतास जिला के रहने वाले हैं, गाँव का नाम है आरा, नटवार थाना में पड़ते हैं। तो ये जो पूरा मशीन देख रहे हैं, जैसा कि ये जो मशीन है ये किस तरह से सेट किए? इसको हम जब मशीन लिए इसको फार्मर बनवा कर एक डिकी लिए, डिकी के पिछला सीट खोल देते हैं, खोल कर इसी पर इसको फिट करके बोरा रख कर दोनों दिन लबर से पैकिंग कर देते हैं। इसकी जानकारी कैसे मिली आपको कि ये जो है घूम घूम करके जो मशीन? जब हम आरा गए थे तो आरा एक आदमी से देखें, देख कर रात दिन इसके बारे में सोच कर इसीलिए हम सोचे कि भाई 10-20 हज़ार रुपया लगेगा, इससे हम कुछ लगा कर आगे में है प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ज्वाला कुमार गुप्ता जी, ये जो मशीन है ये चलता किस चीज से है? पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल से जी। पेट्रोल तो काफ़ी महंगा है, फिर क्या उचित कीमत मिल पाती है? फायदा मिलता होता है, हमारा मजदूरी निकल जाता है, 600-800 रुपया निकल जाता है। सत्तू जो है ये जो चना है इसे आप खुद से लाते हैं और इसे पीसते भी? हम लोग कच्चा चना मंगाते हैं पटना है, हम लोग का वहाँ से मशीन में भुनवा कर इसको हॉलर करा देते हैं, पैकिंग करके इसको जीरा उरा डाल कर देते हैं, थोड़ा खुशबू आ जाए सत्तू में और नज़र के सामने पीस उस कर देते हैं। ये सामने पीसेंगे तो अंधविश्वास नहीं रहेगा, एकदम विश्वास के साथ आदमी लोग लेते हैं। लगभग कितनी कीमत पर जो है पूरा सत्तू का पैकेट मिल जाता है लोगों को? हम लोग का जैसे मिलता है 56-57 सौ का, अब मिल रहा है कुछ रेट जैसे बढ़ता जाता है। नहीं नहीं, किलो कितने? ये हमें 1 किलो देते हैं 120 रुपये किलो देते हैं, कोई कहते हैं 110, कहते हैं 110 भी देते हैं। फ़ायदा हो जाता है व्यापार? हाँ फायदा हो जाता है, किलो पर 10-20 रुपया बच जाएगा, एक बोरा बेच देंगे 500-800 रुपया बच जाता है। इससे पहले कहाँ कहाँ काम किए हैं आप? इससे पहले लखीसराय से भागलपुर आए, और उससे पहले हम बॉम्बे में काम करते थे राजमिस्त्री का। बॉम्बे में जब लॉकडाउन लगा तो बॉम्बे से नासिक पैदल हम लोग गए। भागलपुर में लगभग कितने दिनों से? 5 महीना से रहते हैं। 5 महीने से जी। यहाँ पे किस तरह का व्यापार में क्या फ़ायदा हुआ? हुआ बढ़िया फ़ायदा हुआ, थोड़ा ठंडा का मौसम है, थोड़ा कम बिक्री हो रहा है, गर्मी में आए थे तो बढ़िया हमारा फायदा हो रहा है। भागलपुर में किन किन इलाकों में जाते हैं? यहाँ तिलकाबाजी जाते हैं, मायागंज जाते हैं, सोनौला जाते हैं, और इधर भी माछीपुर जाते हैं।
सिटी में भी जाते हैं, भिखनपुर में भी जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्वाला कुमार गुप्ता जी, जो कि रोहतास जिले के रहने वाले हैं, और इनका कहना है कि ये पिछले एक वर्षों से जब लॉकडाउन में ये राजमिस्त्री का काम करते थे, जिसके बाद इन्हें पैदल जो है बिहार आना पड़ा, और काफ़ी समस्याओं को झेलने के बाद इन्होंने ये गाड़ी का जो है खुद से निर्माण किया और जो है ये सत्तू का व्यापार करने लगे। पिछले 6 महीने से ये भागलपुर में यहाँ जगह जगह घूम घूम कर खुद से चने को पीसते हैं और लोगों को उचित कीमत में सत्तू मुहैया कराते हैं। तो भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए ईशुराज। रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र मियाबर स्थित सोन नदी से बालू खनन करने के लिए बांधने के दौरान 2 पोकलेन मशीन बह गई। बताया जाता है कि बालू खनन करने के लिए सोन नदी के किनारे के बालू का बांध बनाकर घेर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बालू खनन किया जा सके। लेकिन इसी दौरान पानी की तेज़ रफ्तार ने बांध को तोड़ते हुए वहाँ मौजूद 2 पोकलेन मशीन को ही अपनी चपेट में लेकर डुबो दिया। वहीं पानी के तेज़ बहाव में पोकलेन मशीन को डूबता देख चालक अपनी जान बचाने के लिए वहां से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि बालू खनन करने के लिए लोग सोन नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बालू उठाव किया जा सके। पिपैती के झुरकुशिया गांव में चल है नाकुंडिया शक्ति यज्ञ का समापन शुक्रवार को हो गया। 9 नवंबर से 18 नवंबर तक चले इस यज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा समेत मेला का भी आयोजन किया गया, जहां कई प्रकार के झूले और मीना बाजार का भी श्रद्धालुओं और बच्चों ने मजा लिया। बता दें कि बाल संत त्यागी जी महाराज की ओर से आयोजित इस 144वें यज्ञ के दौरान भागवत कथा के साथ जीवन के लिए उपयोगी कई अहम बातों की जानकारी दी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञ में हिस्सा लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। मौके पर पंकज सिंह, रवि सिंह सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।